हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गेम टू डाई फॉर। आज हम खेलने जा रहे हैं एसिमेट्रिक बैटल और मैं यूज़ कर रहा हूँ जर्मनी के टीयर 7 बैटल शिप प्रिंस हेनरिच। ये श्रीफिन लैंड की टीयर 7 बैटल शिप है, इनको बैटल क्रूजर भी कह सकते हैं। हमारे साथ टीयर 6-7 की शिप्स हैं, जिसमें दो बैटल शिप हैं, एक क्रूज़र है, एक डिस्ट्रॉयर है और एक सबमरीन है। अपने दो डिस्ट्रॉयर, 5 क्रूज़र और 5 बैटल शिप्स हैं। अपोनेंट के टीयर 4-5 हैं और चलो देखते हैं क्या होता है। अब इस शिप की खासियत बता देता हूँ थोड़ा। ये शिप अपनी सेकेंडरी के लिए जाने जाते हैं और इसमें मैं वो इसमें मैं जर्मन कमांडर यूनिक कमांडर यूज़ कर रहा हूँ लुटेंस। वो हमको हेल्प करेगा थोड़ा सा और अच्छे से परफॉर्म करने के लिए, सेकेंडरी स्कोर बूस्ट करता है। एटलीस्ट बैटल शेप में वही एक्टिवेट हो पाती हैं और इनकी एक्यूरेसी बेटर होती है और लास्ट रेट 360 डिग्री होता है। ये इस लाइन की पूरी खासियत है कि लास्ट टोरेट 360 है और इनकी एक्यूरेसी बेटर है, लाइफ कम है। और इस सीरीज़ में इस लेवल से टॉर्पिडोज़ भी हैं हमारे पास। ये टॉर्पिडो की रेंज आई थिंक 10 किलोमीटर है और श्लीफर में जाते जाते थे कि 13 किलोमीटर हो जाएगी, 13.5 किलोमीटर। चलिए पहला मिल गया हमको। उनके साथ वही बच कर रहना होता है। ये हमारा जो मैच हो रहा है ना, बॉट्स हैं सारे के सारे, बट प्रॉब्लम ये है कि कुछ तो उन्होंने कर रखा है, इनकी एक्यूरेसी बहुत हाई है फायरिंग की और ये काइट करना भी जानते हैं, टॉर्पेडो से बचना भी समझते हैं। और जो ये अभी नहीं समझते हैं, जो मुझे लगता है ये है कि तुरंत आग लगती है तो बुझा देते हैं, वेट नहीं करते कि तुरंत आग लगे। तो कई बार हम लोग ऐसे देखते हैं कि आग लग गई, ओके चेक करो, तुरंत बुझा देगा, तुरंत आग लगा दो वापस। तो ये आई थिंक एक नेक्स्ट लेवल का होगा, बट उसके बावजूद ह्यूमन प्लेस करके उसमें तो फिर भी आपको मिल जाएंगे ऐसे लोग जो एक्यूरेटली हिट नहीं कर पा रहे। इसमें टर्न इन करो, टर्न आउट करो, 80% टाइम लग ही जाता है और मैं बहुत परेशान होता हूँ उससे। कई बार हमें कई वीडियो तो हमने देखा होगा कैसे मार पा रहे हैं, समझ में नहीं आता है। ऑन कर दिया है तो बहुत सारे टॉपिक आ रहे होंगे यार। सीटा डल नहीं लग रहा है इसको, दो तीन बार फिर इमरलैंड आई थिंक। Torpedoes to starboard. Torpedoes direct front. रिलीज कर दिया है तो अभी तो थोड़ी देर की शांति है। तब मार मत के सेकेंडरी मार रहा है। इनके सेकेंडरी एक्यूरेट भी जाता है, डिस्पर्शन बहुत कम इनके सेकेंडरी में। रिलोड थोड़ा सा बेटर है इसके काउंटर पार्ट से, पर उससे फर्क पड़ जाता है क्योंकि बहुत सारे देखते देखते दो शिप को मार दिया। मेरे टॉर्पेडोज भी रेडी हैं, हम एंगल ज़्यादा वो दिखा दिया तो प्रॉब्लम हो जाती है, सिटाडेल मारेगा वो मेरे को। Our team has taken the lead. देखो उसका मारेगा तो पता नहीं उसकी है क्या, नहीं पता है। मैं तो सही मारा, वो उतना ज़्यादा नहीं गया पर लगी है मेरे को। ये रही सेकेंडरी, रीलोड टाइम थोड़ा सा और कम हो गया। प्रॉब्लम सॉल्व सर, द शिप इज ऑन फायर। एनिमी बैटलशिप संक। अरे यार ये क्यों रशियन वाले हैं ना, ये खतरनाक है यार। लगी नहीं पारी नहीं किया उसको, साथ इफेक्ट हो गई। ये गलतियाँ करता हूँ मैं, अब वो मुझे मारेंगे मस्त जाएगी मेरी लाइफ। ऐसे ट्यूटर वाले की कि मेरे कितने सारे वीडियोस आपने देखे होंगे, कितने आराम से स्टिल मारता था मैं उसको। ये काम पावर दे रहा है, ये बात
इसी गन्स के नीचे सबसे ज़्यादा वल्नरेबल पॉइंट है ड्यूटर वाली के लिए, आगे वाली गन स्पेशली क्रिटिकल भी होगा बट आगे वाले के नीचे मारना आसान पड़ता है। मेरे को भी वहीं टारगेट किया जाता है जब मैं इस शिप से खेलता हूँ, मैं भी वहीं टारगेट करता जब इस क्या किया। Enemy battleship destroyed. ओहो, 6:30 मिनट हुए हैं, 132,000 हो गया डैमेज अभी। लोग टीयर शिप्स के साथ ना डैमेज करना भी मुश्किल पड़ता है क्योंकि लाइफ ही कमी होती है ना, तो किसी टीयर 10 का 3,000 और इधर का 1.5 लाख या 2 लाख बहुत होता है। प्लस आप कंपीट कर रहे होते हैं पॉइंट्स के लिए, आपके सारे जो भी टीममेट्स होते हैं वो भी खेल रहे होते हैं, दोनों में होते हैं। तो टीममेट एकदम बेकार खेले ना तो आपका चांस मिल जाता है कि आप उसमें और आउट परफॉर्म करो। एक आध वीडियो है उसके आगे आएंगे, रिलीज करूँगा। प्रॉब्लम सॉल्व सर। जर्मन नहीं है, ओके दोनों तरफ के सेकेंडरीज यूज़ किया जाए बट इसकी सेकेंडरी लगता है बड़े ऑफर लगी हुई हैं। ये मैकेलसन से तो कम रेट से फायर कर रहा है ऐसा फील हो रहा है, मे बी इनका डैमेज ज़्यादा होगा, चेक करना पड़ेगा मुझे। टॉर्पेडो से बचा लिया अपने आप को, इसमें श्वेतलाना ने आई थिंक रशियन है। We're hold below the waterline. We're flooding quickly. बहुत लाइट। अगर किसी उधर के टॉपिक में हो तो काम किया मेरा। Problem solved, sir. 8 मिनट हो गए हैं। और मेरा गेम भी खत्म। एक ही बचा है, but I think 200 टच हो जाएगा। Let's see. थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्टेड था शिप से, उतना हुआ नहीं। बाकी टीममेट्स ने तो कोई बचे नहीं है खास, वो है दूसरा ब्रॉलर पर कहीं और दूर पीछे है वो। ये तो जाएगा थोड़ी देर में, बट हाँ मतलब ये बॉट्स सही खेलते हैं, गलती नहीं करते हैं। प्रॉब्लम ये है वो आपको फील हो जाएगा कभी कभी, आपको रियल गेम्स में इंसान की गलती देख के मज़ा आता है। ये उस तरह से दिमाग लगाता है नहीं लगाता है कि उनकी तरफ वो भी आगे देखना है, बट इसकी एमिंग गलत नहीं होती। चलिए मैच ख़त्म हो गया, हम लोग जीत गए, मेरा फाइनली 200 क्रॉस हो गया। 3 सिटाडेल, 6 किल, 12 फायर, 8 डिफेंडेड, 4 टॉपडियर लगे हैं और 414 सेकेंडरीज ने हिट्स किया। ठीक था मेरे फ्रेंड्स में, टीम में मैंने अगेन आउट परफॉर्म किया, अपनी टीम में सबसे बेटर है। और 1.3 मिलियन बहुत सारे लोग को मारा, 1774,000 खाए और 45,000 प्लस 30,000 मेरे सेकेंडरीज के फायर के, सेकेंडरीज और कम है, मेरे मेन गन्स का ज़्यादा रहा है। टॉर्पेडोज़ ने भी 4 लगे हैं, 27,000 तो उन्होंने भी दिए हैं, 28,000 का, बट मेन गनियंस इस बार ज़्यादा रहा। चलिए फिर अगली बार मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।